कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 12 मई को मतदान होगा, 15 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक में वोटिंग 12 मई को, 15 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे आएंगे। और इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो कर्नाटक के दौरे पर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें 2300 करोड़ रुपया का सेविंग्स हुआ है, लगभग 1.65 करोड़ एलईडी बल्ब को बांटा गया है, जिससे 862 करोड़ रुपया की बिजली की बचत कर्नाटक की जनता की होगी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3.33 लाख गैस सिलेंडर देने का काम समाप्त किया गया है, और 2019 के पहले 6.12 लाख देने का हमारा लक्ष्य है। मित्रों, इस प्रकार से केंद्र की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, और मैं आप सबके माध्यम से कर्नाटक की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि श्री येदुरप्पा के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी, वो सरकार गुंडा राज से गवर्नेंस राज की दिशा में जाएगी, कर्नाटक को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में येदुरप्पा सरकार कर्नाटक को एक मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में जाएगी। धन्यवाद। हमारा जेडीएस के साथ कोई संबंध नहीं है, हम सब सीटों पर अलग से चुनाव लड़ेंगे। जेडीएस अपना चुनाव लड़ेगी, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक भी सीट पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ श्री येदुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। बेंगलुरु कॉर्पोरेशन में उनका गठबंधन है, चुनाव का मुद्दा क्या होगा? इतने सारे मुद्दे तो दिखाए भैया। तो ठीक है, सिद्धरामैया जी को जवाब मिल ही गए। देखिए, मैंने माइनॉरिटी स्टेटस के लिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। ये चुनावी हथकंडा है, और जो समय तय किया गया है ये करने के लिए, उससे स्पष्ट हो जाता है चुनावी हथकंडा है। मैं सब मठ में जाने वाला हूं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का रिस्पेक्ट प्रे करने के लिए। पंजाब नेशनल बैंक के केस में नीरव मोदी को भारत लाने में सरकार ने प्रयास कर रही है भैया। ना, डेडलाइन डेट नहीं होता, हम प्रयास कर रहे हैं वहां के जहां है वहां के देशों से चर्चा कर लाने के लिए। कई बार बोला भाई महादाई के बारे में, इसका रचनात्मक सॉल्यूशन आ सकता है, कर्नाटक को इसमें फायदा हो सकता है। येदुरप्पा सरकार बनने के बाद हम इस दिशा में जरूर कार्यवाही करेंगे और सफल कार्यवाही करेंगे। सर, इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया, बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट का लिस्ट कब होगा? अभी तय नहीं है कब होगा। सर, इसमें कुछ चेंजेस होंगे सर, जो सिटिंग एमएलए से उनको चेंजेस करने की बात हो रही है। जब अभी तय ही नहीं है तब मैं कैसे कहूंगा चेंज होगा या नहीं होगा। इलेक्शन देखिए, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार कोई चुनाव को ध्यान में रखकर कभी कोई अनाउंसमेंट नहीं करती है। हम रूटीन में, ये जो मैंने सारी बातें कही वो 4 साल में कभी ना कभी हुई, कर्नाटक के लिए मैंने जो आपको बताया वो 4 साल में हुआ है भैया। तो कोई इस प्रकार की बात नहीं है कि चुनाव आने वाला है
इसलिए घोषणा करेंगे जिससे मतों में कन्वर्ट हो सके। ये कांग्रेस का कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। सर, कर्नाटक में स्वामी जी सर आस्किंग टिकट्स फ्रॉम बीजेपी पार्टी। स्वामी जी नहीं, उसको मेरिट्स के आधार पर हम जरूर सोचेंगे। स्वामी जी हमारे यहाँ से कोई चुनाव लड़े, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होती है, मगर मेरिट्स के आधार पर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। नहीं, एक नया विचार है, इस पर बहस हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने समय, पैसा और डेवलपमेंट की रुकावट, बार बार जो कोड ऑफ कंडक्ट आने के कारण, इसके लिए एक अच्छा विचार देश के सामने रखा है। हमने सभी पार्टियों को कहा है कि ये विचार का समर्थन करना चाहिए और इस दिशा में काफी पार्टियों का हम संपर्क भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐप लॉन्च किया नमो ऐप, तो उससे पूरा डाटा लीक हो रहा है। अरे भैया, बहुत आप कहां राहुल जी की बात को सीरियसली ले रहे हो। ये तो करते रहते, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए, बैठ जाओ, इतना गंभीर नहीं होते भैया। सब्सिडी को सब्सिडी देता था ड्रिप इरिगेशन के लिए, वो स्टॉप हो गया। सुपारी खेत को, सुपारी खेत भैया, मैं मुझे मालूम नहीं है, हम देखेंगे, मगर सुपारी के लिए हमने बहुत कुछ किया है। आयात शुल्क लगा दिया है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय कर ली है, इसके कारण रेट बढ़ा है, सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी करी है, सपोर्ट प्राइस के बाद परचेज में क्वांटिटी में भी बहुत सारा बढ़ोतरी किया है। कर्नाटक चुनाव के बारे में स्पष्ट स्टैंड क्लियर करेंगे, चुनाव के लिए सब कुछ हो रहा है। धन्यवाद भैया। उत्तर प्रदेश बीएसपी एसपी मैत्री मुंबरुव 2019 चुनावी परिणाम बीबोदा में उत्तर प्रदेश बाय इलेक्शन में जो एसपी एसपी बीएसपी अलायंस हो गए ना, उसके 2019 का उसका परिणाम 2019 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और हम जो सीट है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। या मैं पार्टी पीपल विल गिव, बोलो बोलो जल्दी। येडियुरप्पा जी को आपने राजी किया, कल फोटो नहीं देखी आपने, जरा छाप लो उसको। परिणाम आए तब देखना, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव को जीतेगी और कर्नाटक में सरकार होगी। धन्यवाद। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। कर्नाटक में हर सीट पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, जनता दल सेक्युलर के साथ कोई समझौता नहीं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बीजेपी, येदुरप्पा के नेतृत्व में मॉडल स्टेट बनाएंगे कर्नाटक को। गुंडा राज जो चल रहा है अभी राज्य में, उसकी जगह गवर्नेंस का राज स्थापित होगा। बीजेपी सरकार जो येदुरप्पा के नेतृत्व में बनेगी इन चुनाव में, जीत की हुंकार जो अमित शाह की तरफ से भरी गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।